गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम शैतान हारा हुआ है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग काफ़ी बार ऐसा कहते हैं कि शैतान हारा हुआ है, लेकिन क्या सच में हम इस बात पर विश्वास करते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है जो परमेश्वर से ज़्यादा शैतान से डरते हैं, वो परमेश्वर से ज़्यादा शैतान के विषय में बात करते हैं। उन्हें लगता है कि शैतान के पास सारा अधिकार दिया है, शैतान को सामर्थ्य दिया गया है, वो हमारे जीवन में कुछ भी कर सकता है। क्या ये बात सच है? एक वर्ष को हम पढ़ेंगे, मत्ती का 28वां अध्याय और वचन 18 को जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि शैतान के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ केवल यीशु मसीह के पास है। इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये वचन हमें स्पष्टता दिलाता है, ये वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि शैतान के पास कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि शैतान की चालाकी से हम बेसावध होकर रहना चाहिए या उनके ऊपर मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शैतान हारा हुआ है और परमेश्वर विजयशाली है। शैतान एक विश्वासी के जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसे अनुमति नहीं देते। शैतान के पास सामर्थ्य नहीं है, शैतान के पास अधिकार नहीं है, लेकिन शैतान के पास एक बात है जो एक विश्वासी को गिरा सकती है, गिराने के लिए काफी है, और वो है झूठ। शैतान हमेशा झूठ का सहारा लेकर विश्वासी व्यक्ति को भरमाने की कोशिश करता है। वो विश्वासी व्यक्ति की पहचान, उसकी क्षमता, उसका रवैया और उसके नजरिए को खराब करने की कोशिश करता है। और हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, जब वो हवा के पास आया तब उसने किस चीज का सहारा लिया था? झूठ का। शैतान हमेशा विश्वासी व्यक्तियों के विचारों से खेलता है। शैतान इस बात का पता नहीं लगा सकता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, जो भाव है, उसको पढ़ सकता है और उसी हिसाब से वो प्रोजेक्शन यानी तीर भेजता है ताकि एक विश्वासी परमेश्वर की योजना से भटक जाए। और जब भी शैतान आपके विचारों के साथ खेलने लगे तब उन विचारों को परमेश्वर के पास लेके आओ और परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना सीखो। इसलिए पौलुस कुलुसियों का 13 अध्याय और वचन 16 में कहते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। जब भी शैतान आपके विचारों के साथ खेलने की कोशिश करे तब उन विचारों को विचारों के साथ खेलने मत दो, उन विचारों को परमेश्वर के पास लेके आओ और परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना सीखो। और जब कभी भी शैतान किसी भी झूठ का सहारा लेकर आपकी पहचान, आपकी क्षमता, आपका रवैया, आपके नजरिए को खराब करने की कोशिश करे तो हमेशा इस बात को याद रखना कि एक बहुमूल्य लहू आपके लिए क्रूस पर बहाया गया है। अगर वो लहू इतना बहुमूल्य है तो परमेश्वर की नजरों में आप कितने बहुमूल्य हो। शैतान हार चुका है, परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर के समीप आओ, परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करना सीखो और परमेश्वर के वचनों के द्वारा शैतान के साथ लड़ो। इसके लिए इफिसियों के अंतिम अध्याय में लिखा है कि आत्मिक युद्ध के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, उन बातों को ग्रहण करना सीखो। परमेश्वर सदैव आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे और शैतान से लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।